तो गाइज फाइनली ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ गया है कि गाइज जिन रेडमी 9 पावर डिवाइस के यूजर्स को MIUI 12.5.5.0 का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है, तो गाइज उन्हें फाइनली कब तक देखने के लिए मिलेगा। एंड गाइज इसी के साथ में गाइज जिन रेडमी 9 पावर का डिवाइस ना अभी भी MIUI 12.0.12.0 में अपडेटेड है, तो गाइज उन्हें MIUI 12.5.5.0 का अपडेट उन्हें भी कब तक देखने के लिए मिलेगा। एंड गाइज आप लोगों को मालूम होगा कि रिकवरी रोम का ना लिंक अवेलेबल हो गया है, तो गाइस रिकवरी रोम के लिंक से गाइस आप लोग को अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो गाइस इसके बारे में ना हमने शाओमी के कस्टमर केयर से बात की, तो गाइस उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है एंड गाइस कुछ बताया है कि आप लोगों को रिकवरी रोम्स के लिंक से अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। गाइस इनके उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया उन्होंने। एंड गाइस इसी के साथ में बताया है कि गाइस रेडमी 9 पावर के डिवाइस के ना MIUI 12.5.5.0 का अपडेट कब तक फाइनली सभी यूजर्स को देखने के लिए मिल जाएगा। तो सो गाइस एंड गाइस जिनका Redmi 9 पावर ना अभी भी MIUI 12.0.12.0 में अपडेटेड है, तो गाइस उन्हें MIUI 12.5.5.0 का अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस ये कुछ सारे क्यूरीज है, तो गाइस इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो गाइस ये तो खैर हम आप लोगों को रिकॉर्डिंग सुना देंगे, गाइस आप बिना रिकॉर्डिंग को स्किप किए हुए ना वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करना, क्योंकि गाइस अगर आप रिकॉर्डिंग को स्किप करते हैं तो गाइस आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो गाइस आप फिर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि भाई अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, रिकवरी रोम के लिंक से डिवाइस को अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो गाइस इसी वजह से ना आप रिकॉर्डिंग को शुरू से अंत तक जरूर सुनना। तो चलिए गाइस रिकॉर्डिंग को सुनाने से पहले गाइस अगर आप लोग ना चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए गाइस आप लोग को हम रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। शाओमी में कॉल करने के लिए धन्यवाद, मेरा नाम सरफराज है, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? था कि Redmi 9 पावर डिवाइस के लिए MIUI 12.5.5.0 का अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है, एटलीस्ट दो बार में भी अपडेट देखने के लिए मिल गया है, लेकिन सर अभी तक जो है सो ये सभी यूजर्स को देखने के लिए नहीं मिला है, मतलब कि मान के चलिए 30% यूजर्स को अप्रोक्स देखने के लिए मिला होगा। एंड सर यहाँ पे MIUI 12.5.4.0 का भी जो अपडेट देखने के लिए मिला था इससे पहले वाला, वो भी अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है। अभी जो डिवाइस रन कर रहा है मेरा Redmi 9 पावर वो MIUI 12.0.12.0 पे रन कर रहा है, ना तो 4.0 का अपडेट देखने के लिए मिला ना तो 5.0 का। ओके सर, आपको जो भी असुविधा हो रही है सर, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ सर आपके फोन में अपडेट नहीं आ रहा है। यस सर, यस सर, असुविधा हो रही है सर उसमें मैं माफी चाहता हूँ, निश्चिंत रहिए मेरे द्वारा पूरी सहायता की जाएगी सर। जी सर, कौन सा फोन है आपके पास जिसमें प्रॉब्लम आ रही है आपको? Redmi 9 पावर है। ओके, Redmi 9 पावर है जिसमें अपडेट नहीं आया। ओके सर, यस सर। ओके, मान जी लाइन पर रहिएगा। ओके, तो जैसे इमरान जी मैं जानना चाहूंगा, जैसे आप चेक फॉर अपडेट पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या एरर बता रहा है आपको? नो अपडेट अवेलेबल। नो अपडेट अवेलेबल, यस सर। ओके सर, ओके सर, लाइन पर रहिएगा सर। जी सर, सर मैं बताना चाहूंगा सर आपको कि मैंने यहाँ से आपका फीडबैक फॉरवर्ड आगे कर दिया है सर, जल्दी आपके जो है मोबाइल के लिए अपडेट अवेलेबल करवा दिया जाएगा सर। यस सर, ये सर कब तक देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि सर 4.0 का भी अपडेट देखने के लिए नहीं मिला, 5.0 का भी अभी तक अपडेट देखने के लिए नहीं मिला। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ सर। सर जल्दी आपको जो है आपके फोन में अपडेट देखने को मिल जाएगा सर। सर मैं टाइम नहीं बता पाऊंगा सर, उसके लिए क्षमा चाहूंगा सर, लेकिन मैंने यहाँ से आपका फीडबैक आगे फॉरवर्ड कर दिया है सर। कोई एक्सपेक्टेड डेट वगैरह कि सभी यूजर्स को देखने के लिए मिल जाएगा कब तक, एनी एक्सपेक्टेड डेट? एक्सपेक्टेड डेट तो सर नहीं है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है सर, बट जो है मैंने फीडबैक आगे फॉरवर्ड कर दिया है, जल्द आपका इशू रिजोल्व कर दिया जाएगा सर। इससे पहले भी मैंने लगभग 5-6 दिन पहले कॉल किया था, तो उन्होंने बोला था कि आपका फीडबैक आगे शेयर कर दिया गया है, अपडेट देखने के लिए जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो सर मैं वही बताना चाहूंगा सर, फीडबैक शेयर कर देते हैं, हमारी टीम इस पे वर्क करती है सर आगे। जी सर, सर हमारी टीम वर्क कर रही है सर इस पे, आपको जल्दी अपडेट देखने को मिलेगा। यानी कि सर अभी ये आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है कि अभी कितने परसेंट यूजर्स को अपडेट रिलीज कराया गया है या फिर सभी यूजर्स के लिए अपडेट रिलीज करा दिया गया है, कोई इन्फॉर्मेशन है सर आपके पास? नहीं सर, यहाँ इस टाइप की अभी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है सर हमारे पास सर। ओके सर, सर एक चीज और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये जो रिकवरी रोम के लिए लिंक आता है, तो सर रिकवरी रोम से हम अपडेट डाउनलोड करके अपने डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं? जी ओके सर, जैसे
इसमें बताना चाहूंगा सर, आप अपडेट तो कर सकते हैं सर, जी लेकिन सर जो है आप जो है कंपनी से यदि अपडेट आता है तो सर वो सही रहता है, जी जी तो आप जो है उसका वेट कर लीजिए सर, बेटर ये रहेगा कि आप उसका वेट कर लीजिए सर थोड़ा। जी सर, यानी कि रिकवरी रोम से मान के चलिए, अगर रिकवरी रोम से हम करते हैं तो कोई डाटा वगैरह डिलीट होने का कोई चांस वगैरह, या फिर फोन डेड होने का कोई चांस? वही सर, सर उसमें सर जो है प्रॉब्लम आ सकती है सर, क्योंकि वो हमारा ऑफिशियल नहीं रहता है सर, अच्छा जैसा अच्छा हमारी ऑफिशियल कंपनी जी सर आपके से जो है चेक फॉर अपडेट पे जैसे अपडेट दिखाने लगे वो आप अपडेट कीजिएगा सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि सर आप कह रहे हैं कि रिकवरी रोम वाला जो होता है वो ऑफिशियल नहीं होता है? जी जैसे ऑफिशियल जैसे हमारी कंपनी के द्वारा आपके फोन के लिए सर वो नहीं सेंड किया गया है ना अच्छा सर, अच्छा यानी कि जी सर ऑफिशियल जो ऐसा होता है नहीं वो होता है सर। डायरेक्ट अपडेटर ऐप में आता है, सॉफ्टवेयर अपडेट जी में। बिल्कुल सर, तो सर आप कर तो वहाँ से भी सकते हैं, लेकिन सर उसमें प्रॉब्लम रहेगी कि आपको कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है सर, अच्छा, सर आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, मैंने फिर फीडबैक ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दिया है। जी, ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके सर। तो गाइज जैसा कि आपने रिकॉर्डिंग को सुना होगा, तो आई होप कि गाइज आप लोगों को पता चल गया होगा कि रेडमी 9 पावर डिवाइस में ना MIUI 12.5.5.0 का अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा। गाइज उन्होंने बताया है कि गाइज अपडेट ना धीरे धीरे सभी यूजर्स को देखने के लिए मिल जाएगा, कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम का वेट कर ले आप लोग, उसके बाद गाइज आप लोगों ना थोड़े दिन बाद सभी यूजर्स को ये अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। एंड गाइज जिन रेडमी 9 पावर डिवाइस के यूजर्स को ना MIUI 12.5.4.0 का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है, तो गैस उन्हें भी MIUI 12.5.5.0 का अपडेट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन गैस आप यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लो, गैस आप लोगों ना सभी यूजर्स को अपडेट देखने के लिए मिलेगा। तो गैस आप लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग को सुन के आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि गैस आप लोगों को ना सभी यूजर्स को अपडेट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन गैस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो गैस इसी वजह से ना आप थोड़ा सा और वेट कर लो यार, आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिलेगा। वैसे गैस रेडमी 9 पावर डिवाइस के लिए ना MIUI 12.5.5.0 का अपडेट ना जब भी मिलना स्टार्ट होगा फिर से, तो गाइस आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा इसी चैनल पे न्यू वीडियो के जरिए, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। तो गाइस फिलहाल मैं अभी के लिए इतना ही, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी ओपिनियन हो तो गाइस नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड गाइस एक चीज और मेंशन करना कि गाइस आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिला या फिर नहीं मिला। एंड गाइस ये वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।